हाय एवरीवन, दिस इज़ अलीज़े ताहिर। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी लैवेंडर फेस्टिवल में और आपको दिखाऊंगी शिकी सिटी के खूबसूरत व्यूज। तो चलें चलते हैं। तो ये है क्या अलीज़े? लैवेंडर्स। लैवेंडर्स के लैवेंडर फील्स आ गई है। अभी तक तो यहाँ कुछ ब्राउन है और यहाँ कुछ ग्रीन है और यहाँ कुछ ग्रीन के साथ हल्का हल्का पर्पल है। आप फाइनली दिख गए वो पर्पल। तो एक दिन तक मुझको गुस्सा हो रही थी कि यार इसने क्या गलत जगह बता दी है, यहाँ तो पर्पल नाम का कोई निशान ही नहीं है। मगर पर्पल दिख गया है और ये है लैवेंडर फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे और यही सीजन होता है जहाँ पे आपको मई एंड एंड ऑफ जून तक आपको लैवेंडर मिल जाएगा। लैवेंडर कहते हैं लैवेंडर। तो और यहाँ पे पब्लिक आई हुई है और हम पहुँच चुके हैं ओके। तो 5 माना टिकट है पर पर्सन। जितनी भी अंदर इट्स ऑल फ्री। वाओ, दे गिव अस 1-2 लैवेंडर। थैंक यू। हां, इट स्मेल्स गुड। स्मेल करो। तुम्हें तो पसंद नहीं। मुझे वैसे लैवेंडर जो है ना उसमें पसंद नहीं है। क्या कहते हैं, रूम स्प्रे होता है या घर क्लीनिंग करने में। फ्रेश है इस वजह से ये अच्छे लग रहे हैं। स्मेल कैसी है? फ्रेश है। अच्छा, आप अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फ्री है और यहाँ से हम चलते हुए देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और ये इनके अपनी ज़बान में होगा पता? हाँ। अच्छा, इन्होंने सारे गाने जो है ना अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किए हुए हैं। हाँ, अभी अंदर चल के देखते हैं। ये फेस्टिवल है एक्चुअली लैवेंडर का, इस सीज़न के अंदर होता है। आपको वजह से बताया था ये सॉन्ग भी इन्होंने, आपको आवाज़ आ रही होगी झींगों के साथ साथ। ये सॉन्ग इन्होंने अपनी ज़बान में किया हुआ है। वहाँ देखिए आप, वेडिंग शूट हो रही है उधर। ये एक फ्रांस में भी है, प्रोविंसेस में। वो देखो लैवेंडर का जो है वीडियो शूट हो रही है। अच्छा, यह लिखा हुआ है कि आप तोड़िए मत, क्योंकि इन्होंने हमें पैसे ही दे दिए तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अंदर एक्टिविटी देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पिक्चर्स के लिए कुछ स्पेसेस है और ये आप देख रहे हैं पेज बने हुए हैं इंस्टाग्राम पूरी पिक्चर्स के लिए। इंस्टाग्राम पर इसी को लाइक कर लें और मुझे भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। अच्छी लाइक नहीं होता वहाँ पर फॉलो कर लें। हाँ, देयर आर चेयर्स एज़ वेल, सो लेट्स सिट ऑन द चेयर्स। निकल चुके हैं शिकी के लिए और हम लैवेंडर फेस्टिवल से आ रहे हैं और इट वाज अमेजिंग।
बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं तो अरसलान को कब से बोल रही थी मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। शेर का रास्ता जगह खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा हम पीछे छोड़ गए हैं जो दोनों तरफ ट्रीज और छाँव दो छाँव दो छाँव दो। आगे शिफ्टी का बोर्ड और शिफ्टी स्टार्ट हो गए हैं और हम थोड़ी सी हाइट पे हैं और इसमें थोड़ी कम करो और ये रोड जो है वो है क्लीन और खूबसूरत और व्यू रोड जो है वो पक्की रोड नहीं है, ये पत्थरों से बनाई हुई है। और जो मैंने होटल लिया है ना, रिजॉर्ट है होटल, तो वो बड़ा ही कोई पुराना और एंटीक किस्म का खूबसूरत लोकेशन के ऊपर है, तो इस वजह से इसका रास्ता ऐसे है। थक गए हैं गाड़ी हिल के, डेजर्ट सफारी हुई है। रास्ता देख रही हूँ कैसा जबरदस्त, ऑलमोस्ट जंगल में ऐसा लग रहा है सफारी चल रही है हमारी। पता नहीं उस गाड़ी के टायर सलामत रहे इसके वापसी तक में, हमने भूख लग रही है, हमने कहीं से मंचिंग की है, कहीं सही से हमने लंच किया, 5 बज गए हैं और यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी नहीं है। अगर हम कितने पर वापस आए तो मसला हो जाएगा। हमारा होटल आ गया, फाइनली कुनगर्ट होटल हमारा आ गया है जहाँ हम ऊपर चढ़ेंगे। सारा रास्ता ही ऐसे बोर्ड है। ओके तो हमारा आ गया होटल। होटल का ये जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वुडन से बना हुआ है और वुडन से बना हुआ है। यस यू आर राइट, सामान वो हमारा बैग लेके आ जाएगा, ऊपर रख देगा जब तक। एंड मेरा यहाँ मैं भी हूँ और रेस्टरूम लग रहा है। ओके ओपन करो। ब्रेकफास्ट एरिया, चलो यहाँ तो ब्रेकफास्ट करने मज़ा आएगा, सुबह दिखाएंगे आपको सही से। अभी थोड़ा सा ऊपर का दिखाते हैं यार, फील है ना, सही फील है। वुडन के ना, होपफुली वो भी अच्छा होगा। क्या रूम का व्यू, ओ नाइस, फर्स्ट ग्लांस इज खूबसूरत, ओ नाइस, हाय बटरफ्लाई, बेचारा दूर निकलना चाह रही है वो। अच्छा इसने हमें रिसीव किया था, इसको इंग्लिश नहीं आती है और हमें अज़रबैजान नहीं आती है, तो ये एंट्रेंस। फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं। इस होटल का क्या नाम है? कुनगट होटल एंड रिजॉर्ट। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, मुझे ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है यार, ब्लू वुडन बना हुआ है पूरा और बेड का वो व्यू अच्छा है और कर्टन्स देखो यार, खूबसूरत है। सबसे पहले तो व्यू, खिड़की खोल के जंप मार सकती हो? नहीं भाई इतनी ऊपर है, तुम व्यू तो खोलो जरा, अगर खुल रही है तो। ओ वाओ, सर्दी भी लग रही है ना तो। बैलकनी भी दे देते, इतनी बड़ी खिड़की खोली करो इसमें, नहीं मेरे ख्याल से इसमें बैलकनी है ही नहीं।
तो इधर टीवी है और ये सब चीज़ें हैं। लाइट ऑन करना कहाँ अंदर से? नहीं आज तक नहीं आना स्विच। हमें भूख लग रही है, हम अभी नीचे उतरे हैं और नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने सोचा यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पे खा लें। आई होप वहाँ का खाना पहले की तरह ना। तो हम यहाँ बैठते हैं कहीं पे, देखो यार व्यू कितना अच्छा। हाँ तो ये केक और स्वीट्स जो है हमारे हमारे पड़ोसी ने दिया है। उन्होंने वहाँ पे सारे ओल्ड एज अंकल आंटी बैठे हैं, उनका कुछ इवेंट चल रहा है। तो अभी हमने केक चखा था थोड़ा सा, हमने का वीडियो बना के बताएं यहाँ के लोग अच्छे हैं। और ये कुछ और ये स्वीट्स भी हैं और जगह बहुत खूबसूरत है। खाना हमने मंगाया है, अजीज ने मंगाई है फ्रेश। मैंने नहीं, तुमने, मैं से वेजिटेरियन खाना मंगाऊं देखो। यहाँ पे तो आज हमारी फिश का एक्सपेरिमेंट है, ट्राउट है। मैंने कहा नीचे रिवर घूम रहा है चल रहा है, तो ट्राउट में ना मज़ा आएगा खाने में। अब अल्लाह करे हमारे थोड़े फ्लेवर फ्लेवर के साथ हो तो मज़ा आ जाएगा। बाकी एक और मंगाया वेजिटेबल के कुछ कबाब्स मंगाए और सैलड मंगाई है और कुछ चाय मंगाई है। चाय तो भाई लाजमी है। बाकी व्यू आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, या ज़बरदस्त है और व्यूज़ दिखाते हैं। हमारा फूड आ गया है, ये है ट्राउट फिश एंड ये है सैलेड। ये तो केक बराबर ने दिया हमें गिफ्ट और कबाब आ रहे हैं अभी। बाकी स्मेल्स ओके, नॉट बैड, भूख बहुत लग रही है, हम खा लेंगे। और ये आ गई है ब्रेड, ब्रेड तमाम। ओके, खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय ऑर्डर की। चाय ऑर्डर कर ही रहे थे कि यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई और तेज़ हवा चलने लगी, तो सर्दी लगना शुरू हो गई। तो हम लोग फटाफट गए, मैं एक स्वेटर लेके आया था, अलीजे ने वो मैंने वो पहन लिया, बल्कि हमने यहीं से लिया था दोनों ने। और अलीजे अपनी हुडी लेके आई थी, तो अलीजे ने हुडी भी पहन ली। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, बहुत खूबसूरत आ रहा है। हल्की 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 बूंदाबांदी हो रही है और मज़े वाली ठंड हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चाय आएगी ना, चाय पीते हुए ना बहुत ही सही माहौल है अभी फिलहाल। चलो एक तो वो दिखाओ बैक कैमरे से, यहाँ से सूरज भी आ रहा है और बूंदाबांदी भी हो रही है, दोनों चीज़ें दिखाओ। सर्दी लग रही है बहुत तो नहीं हो रही है इतनी, लेकिन मुझे सर्दी लग, तुम्हें पता है हमें सर्दी बहुत लगती है। और देखो कितना प्यारा व्यू है ना, दिखा दिया। हाँ सबसे दिखा दिया। और जो सूरज की लाइट पड़ रही है वहां से, अब ये ओके, आपको एक जबरदस्त सी चीज दिखाते हैं। वो क्या है? वो है, थोड़ा आगे चलो, बारिश हो रही है और ये है रेनबो। वाह क्या जबरदस्त आग बन रहा है यार। वो देखो वहां, वो वहां से उठ रहा है, यहाँ से और यहाँ पे डार्क आ रहा है और बारिश हो रही है।
इस वजह से अब हम पीछे जा रहे हैं। सो गाइज, ये था शिकी सिटी का डे वन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी शिकी सिटी की खूबसूरत प्लेसेस। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।